माश की मज़ेदार दाल बनाने के लिए पहला टिप है कि इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दें, यानी आधा घंटा तो कम से कम भिगोना है इसको। और फिर इसको खड़ा रखने के लिए थोड़ा सी इसकी कनी भी रखनी ज़रूरी है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं माश की दाल, आपके लिए लेकर आए हैं हम नए स्टाइल की वाइट माश की दाल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी होंगी, खैरियत से होंगी। आज हम पका रहे हैं माश की दाल, और माश की दाल हो या कोई सी दाल हो, अगर उबाली जाए तो उसके ऊपर ये हल्की हल्की सी झाग आ जाती है। अगर इसको उठाते जाए ना तो दाल का कलर भी ठीक हो जाता है, ख़राब नहीं होता, और उसका टेस्ट भी, तो उसमें ये जो झाग का एक मैल सा है ना, इसका जो एक वो बन जाती है थोड़ा सा नरम सा, वो नहीं बनता, यानी कि दाल बहुत खिली खिली और अच्छी अच्छी बनेगी। तो दाल को, माश की दाल को हमने खुले पानी में उबाल लेना है। ये सबसे मुझे सिंपल और आसान तरीका लगा है। तो ये मैंने इसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, इलायची बड़ी डाली है, और दो तीन लौंग डाल दिए हैं, और हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये दाल जब गल जाएगी, मेरी दाल जब गल जाएगी, तो मैं इसको यहाँ से निकाल के स्ट्रेन कर लूँगी, पानी अलग कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक, इसको थोड़े से पानी में गला लिया है। इसको थोड़ा इंशाल्लाह मैं इसको शेक कर लूँगी। शेक करने के बाद इसको, यानी कि इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसको हल्का सा सौते करूँगी, यानी कि भून लूँगी अच्छे से। जब ये मसाला बन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ही ये दाल जो मैंने स्ट्रेन करके रखी होगी, इसको भी निकाल के इसके अंदर ही डाल दूँगी इंशाल्लाह ताला। बाकी मिलती है जब ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो दाल गल रही है तो हम आपस में कोई बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी कुछ बात अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शुक्रिया। दाल का दाना ऐसा गला हुआ होना चाहिए कि ना तो फटे, लेकिन जब दबाने से बिल्कुल गल जाए। अभी इसमें थोड़ी सी कनी है कि मैं चाहती हूँ कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा गल जाए। गल चुकी है, लेकिन इसके अंदर से हल्का से कि हार्ड बना। थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसमें मैंने ये मसाला सारा निकाल लिया है, उसको शेक कर लिया था मैंने, इसको अच्छे से मिक्स हो गया है, और उसको अच्छे से भून लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो वो मैं बस इस नासिक आग के ऊपर भूनना शुरू कर दिया है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, अभी नमक मिर्च, मेरा ख्याल है कि आज मैं इसको हल्की सी मिर्च के साथ, ज़्यादातर काली मिर्च डालूँगी, और तलब के लिए जी। यहाँ पे मेरा मसाला जो है वह तैयार होने के लिए आ गया। ऑयल के अंदर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। इसको आज मेरा दिल है कि इसको खाली मिर्च के साथ बनाया जाए। तो हम इसमें अभी कुछ भी मैंने हल्दी नहीं ऐड की है, क्योंकि दाल जो है वो तकरीबन वाइट वाइट सी बनेगी और इसमें काली मिर्च होगी। ये एक अच्छी सी कॉम्बिनेशन वाली दाल, यानी वाइट दाल बनने वाली है, वाइट माश की दाल इंशाल्लाह ताला। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर तक। दाल इस मरहले में आ गई है कि हम इसको खुले पानी से निकाल के इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे इसको। मुझे काली मिर्च हमने इसमें डाल दी है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें गुटले ना बन जाए, और पकाऊँ कितना ज़्यादा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जीरा डाला है मैंने साबुत, थोड़ा सा हथेली पे रगड़ कर दी। मसाले से जैसे घी अलग होना शुरू हुआ तो इसके अंदर दाल डाल दी है मैंने, जो कि बिल्कुल गली हुई है। ये इसकी एक कनी जैसे दाल की होती है वो छोड़ ली है ताकि ये इतनी घुल मिल ना जाए। जब ये दाल फट जाती है तो इसकी इसका लेसला सा मादा बन जाता है, यानी कि लेसली लेसली दाल हो जाती है। जब तक इसका दाना खड़ा रहता है ना
तो ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो मेरा तो यही कहना है कि इसका एक दाना जो है वो बिल्कुल फटा हुआ नहीं होना चाहिए, और लेकिन एट द सेम टाइम ये गली हुई होनी चाहिए। मसाला और दाल अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाए तो हम इसको दम लगा देंगे थोड़ी देर, और इसी के अंदर हम इसकी गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, धनिया डाल दें, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर है, जो दिल चाहिए इसके अंदर डालें और इसका मज़ा दुबाला करें। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और सेहत में भी बहुत अच्छी है। तो देखते रहिए ग्रैंडमा रूटीन्स नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।